हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। Oh my God! Oh my God! मेरे जमाने के इतने बड़े बड़े कलाकार आए हुए हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। चूड़ी गांठ? हाँ। अभी भी यकीन नहीं हो रहा। कुत्ते से कटवाऊं? कुत्ते से? आपको यकीन नहीं हो रहा, आपके सामने बैठे हुए हैं। ये क्या हाल बना कर रखा आपने अपना? वो सर छोड़ी सर, मेरे 2000 रुपए दे दीजिए, मैंने इनका फेशियल किया है। ये 150 रुपए के मुंह पे 2000 का फेशियल? पैसे पैसे। एक मिनट, तेरे 2000 रुपए मिल जाएंगे, चिंता मत कर। वो शक्ति जी बैठे है ना और टीकू जी बैठे, उनके ड्राइवर्स के साथ बैठ के जाके वहाँ ले। जब ये फ्री हो जाएंगे ना तो तुझे दिलवा दूंगी मैं। जा रहा कि नहीं, चल। ये क्यों देंगे आपके लिए पैसे? अच्छा जी, ये क्यों ना देंगे? अरे जिनके लिए मैं ब्यूटी पार्लर से सज धज के आई हूँ, उसके पैसे यही ना देंगे तो कौन देंगे? मुबारक है, ब्लश करने लग गए देखो आप। पता है असरानी जी, मैं ना दामाद जी को कह रही थी हफ्ते भर से कि मेरे शक्ति टीकू आएंगे। मैं आपको 2000 रुपया दूंगा। रानी साहब, ये मेरी ना मुंह बोली सास है, ये परेशान करने आ जाती हैं ऐसे। दामाद जी ऐसे मत कहिए, आज मैं कुंवारी हूँ। क्या बात कर रही हैं आप? शक्ति जी देख रहे हैं ना? वो तो देख रहे हैं, बच्चों को मत दिख जाना, कहीं डर जाएंगे वो। ऐसा है दामाद जी, आप बीच में ना बोलिए, आज मेरे क्रश आए हुए हैं। टीकू जी पता है, जब मैं 90s में हाई स्कूल में थी ना, तो हमारे स्कूल में छोटे बच्चों को टीका और हम गर्ल्स को टीकू कंपलसरी था। काश मैंने नाम बदल दिया होता। और शक्ति जी एक मिनट, आपके लिए भी मैं कुछ लेके आई हूँ। ये क्या? ये क्या? ये क्राइम मास्टर गोगो है ना, आंखें निकाल के गोटियाँ खेलते हैं। तो मैंने कहा इन्हें गोटियाँ खेलनी होगी, ले चलूं। वैसे शक्ति जी मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आपने मुझसे मिलने में इतनी देर कर दी, जवानी में मिले होते ना तो आज हमारे घर में छोटे छोटे कंचे गोटियाँ खेल रहे होते। छोटे मोटे। और अगर उन्हें चोट लग जाती तो वो आई मम्मी ना कहते, आओ मम्मी बोलते। शर्म आनी चाहिए आप, इतने अच्छे आपके वो पति हैं गोलमटोल से और आप इधर फ्लर्ट कर रही हैं उनके साथ, शर्म नहीं आती आपको? शादीशुदा हैं आप? अरे शादीशुदा हूँ मैं दामाद जी, आपको पता है शादीशुदा हूँ, ये शक्ति जी को पता है, लेकिन शक्ति जी की नीयत को थोड़ी पता है। शक्ति जी आप मुझे बस अपनी लॉलिता ही समझें। मैं दो लाइनें बोलूं बीच में? प्लीज। देखिए क्या इसमें कसूर मेरा नहीं है, कसूर देखिए भगवान ने सबसे पहले दुनिया बनाई, भगवान सो गया, उसके बाद आदमी को बनाया, भगवान फिर सो गया, उसके बाद भगवान ने औरत को बनाया, ना खुद सोया ना हमको सोने दिया। शक्ति जी भले ही मेरी शादी हो गई हो, लेकिन आज भी मैं अपने पति में ना आप ही को ढूंढती हूँ। ये अपने पति में आपको ढूंढ रही है, पति इनमें ढूंढते रहते हैं, पत्नी है कहाँ? और ये दोनों पति पत्नी मिलके खाना ही ढूंढते रहते हैं, हमारे घर में इतना खाते हैं ये लोग। अरे इतना कुछ नहीं खाते हम, कुछ भी। इतने भूखे हैं ना सरानी साहब ये। उस दिन मैंने कहा यार खाना बाहर से खा लो, हमारी गैस खत्म हुई है, बोलते कच्चा आटा दे दो हम खा के धूप में बैठ जाएंगे। ये ऐसे लोग हैं। फूलमती। अरे बड़े भैया। अरे बड़े भैया, मैं तुम्हारा पति हूँ। बड़े सैया अभी तुम्हारी ही बातें कर रहे थे मैं। अच्छा अच्छा, आप हमारे बारे में बात कर रहे थे, तभी मैं सोचूं नहाते वक्त मुझे हिचकियाँ क्यों आ रही थी। तो हिचकी आएगी नहाते हुए, शर्म तो आपको आती नहीं। 8 महीने से ये लोग बेटी के घर में पड़े हुए हैं, ये कट्ठे कहीं जाते भी नहीं, कहीं मैं पीछे से ताला ना लगा दूं। अरे हम जाते इसलिए नहीं कहीं चोर ना आ जाए। असरानी जी बोलिए, आप लोगों के होते हुए उनको कहां मौका मिल सकता है बेचारे को। लोग बेटी की शादी में शगुन लेके आते ना, ये वैक्यूम क्लीनर लेके आए।
क्योंकि लोग पैसे लुटा रहे थे, ये खींच रहे थे, ये ऐसी ऐसी हरकतें करते, मैं क्या बताऊँ आपको। टेंडर जी आप ही बताइए, लड़की की शादी में कितना पैसा लगता है? अगर हम वैक्यूम से खींच भी रहे तो इसमें क्या बुराई है? कौन सा पैसा लगा आपका? मुझे ये कहते हैं शादी वाले दिन कि आइए 2 एकड़ में टेंट लगाए बेटी की शादी करने, अंदर गया 2000 सामूहिक शादियां हो रही थी उधर। लेकिन एरिया 2 एकड़ का था कि नहीं? एरिया तो आपका भी 1 एकड़ से कम नहीं भाई साहब। चिल्लर जैसी बेटी चिपका दी आपने झूठ बोल के। भैया दामाद जी ऐसा है, शादी के रिजल्ट का तो मैं क्या बताऊं, मैंने भी सोचा था कि मेरे को शादी के बाद टीकू जी जैसा कोई मिलेगा, ये सड़ा चीकू जैसा मिल गया। ये देख लो नखरे इनके, उबली हुई रवीना टंडन। ओह माय गॉड। अच्छा, अरे हंस क्यों रही है, वो मजाक उड़ा रहा है तुम्हारा, उबली हुई बोला, उबली हुई। बाद में रवीना टंडन भी बोला। अरे बहुत टाइम हो गया, मैं आप लोगों को एक बात ही बोलना भूल गया जी। गेट आउट, आप हमारे मेहमानों का टाइम खराब कर रहे हैं आप लोग। कोई टाइम खराब नहीं कर रहे हैं हम। एक मिनट शक्ति जी, मैंने आपके लिए कुछ तैयार किया है। कौन है ये मेंढक कच्छा पहन के क्यों घूम रहा है? पांडू सबका नंदू। ओए हाय इतना गंदू। शक्ति जी कैसा लगा मेरा नंदू? अरे वो करके दिखाना जो सिखाया था। पांडू सबका नंदू। अरे वाह। ओए हमारे मेहमानों से दूर रहे, मैं नाड़ा घुमा के ना फेंकूंगा जाके, कौन बनेगा करोड़पति के सेट पे गिरेगा। देखो जीजा जी के बात का बुरा नहीं मानना, जाके शक्ति जी के पांव छू लेना और उनसे शगुन के 5000 रुपए ले लेना। खबरदार अगर हाथ लगाया तो शक्ति जी के पैरों को। ये सर जी फ्रॉड लोग हैं, ये नए नए तरीके ढूंढते हैं पैसे मांगने के, शर्म नहीं आती आप लोगों को? शर्म क्या आया, अभी हमारी स्कीम का आपको पता चल गया है तो जो खुशी से देना है वो दे दो उसको बेचारे को। दे दो सर। ढंकी चिक्का, ढंकी चिक्का, ढंकी चिक्की दे। लोनावला से कोई ढंकी चिक्की ले आते इससे अच्छा। ये क्या लेके आए हो? जरा शांत रहो दामाद जी, एक मिनट, आप में से किसी को पसंद आया ना मेरा नंदू तो गोद भी ले सकते हैं। ये गोद क्यों लेंगे, ये तो पैदा होने के बाद नर्स ने गोद भी नहीं लिया था इसको। ये तो अब सर इसके हाथ पैर निकल आए हैं, नहीं तो जब पैदा हुआ था 1 महीने तक लगता रहा अदरक हुआ है। हाँ ऐसा था। अरे ये तो अच्छा हुआ वो रोया, वरना हम इसको कूट के चाय में डालने वाले थे। देखो जीजा का ठीक है, वो हमें खाना देता, वो कुछ भी बोल सकता है, और तुम तो कुछ बोलो मत, वरना मैं भी क्राइम मास्टर गोगो हूँ, आग है निकाल के गोटियाँ खेलूंगा, गोटियाँ। गोटियाँ छोड़ो, तुम सारी फैमिली छुपन छुपाई खेलो, 50 साल तक छुप जाओ, ताकि तुम्हारी मनहूस शक्लें मेरे सामने ना आए। अरे दामाद जी ऐसे मत करो, हाँ मेरे फेवरेट कलाकार से आए शक्ति जी, हो जाए एक लॉलिता के साथ डांस। अच्छा स्पेशल 26 आपने देखी है, अक्षय कुमार साहब ज्वेलरी की दुकान लूट लेते हैं टिक्कू सर की, फिर 1 और 1 11 में गोविंदा और संजय दत्त इनकी तिजोरी लूट लेते हैं, फिर तकदीर वाला में रवीना टंडन की ज्वेलरी की दुकान लूट लेती है। आपने कभी मैडम को कहा है अपनी वाइफ को कि देखो मुझे तो लोग लूटते रहते हैं, कभी मैं ऐसी शूटिंग कर रहा हूं तो तुम भी आ जाओ लूटने? या कभी आप सोना खरीदते हैं आपको टेंशन होती है कोई लूट कर ले जाए? सारे नकली जेवर होते हैं तो क्या उसको लूटने के लिए बनाओ। सर मैंने सुना है कि जब आप थिएटर करते थे टिक्कू सर जी, आपने बताया नहीं था घर में किसी को? नहीं, बेसिकली उस जमाने में घर वालों को पता ही नहीं होता कि ये क्या कर रहा है। तो पता कैसे चला फिर उनको? फिर वो था कि मैं थिएटर करता था और प्रोफेशनल थिएटर में लग गया, और फिर एक बार पिताजी हैंगिंग गार्डन पे गए थे और किसी ने उनको बोला कि ये टीकू तलसानिया है कौन? अच्छा। बोले मेरा बेटा है, कुछ किया है क्या, कुछ गड़बड़ की उसने? बोले नहीं, उसका एक प्ले चल रहा है, बहुत अच्छा है। अच्छा जी, आपने देखा या नहीं? तो बोले नहीं देखा। उस दिन सुबह सुबह वो जलेबी गाठिया लेकर आया, मुझे उठाया, मुझे कहा उठ आज तेरी वजह से मैं पहचाना गया। वाह क्या बात है। दैट इज वो एक मोमेंट है जो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। क्या बात है। असरानी साहब एक बात बताइए, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे झट से पता चल जाता है कि अच्छा फिल्म को ये इतनी ओपनिंग लगी, इतना रिस्पॉन्स आ रहा है, उस समय तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव था, वो सोशल मीडिया था ही नहीं, मतलब था ही नहीं। तो आपको कैसे पता चलता था कि आपकी फिल्म कितना वर्क कर रही है? कभी छुप के आप गए अपनी फिल्म देखने किसी थिएटर में? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मगर 2-3 एक्टर थे जिनसे मालूम पड़ता था कि फिल्म की वैल्यू क्या है,
जितेंद्र और ऋषि कपूर। अच्छा जी, ये इन्फॉर्मेशन थे पूरी जिंदगी की फिल्मों के, जैसे फिल्म लगेगी कितने खिड़की में कितना, खिड़की में कितना, उसमें कितना, उसमें कितना। तो एक फिल्म में एलवी प्रसाद साहब डायरेक्टर थे, जितेंद्र आए। अच्छा जी, फिल्म का नाम था उधार का सिंदूर, मैं भी था उसमें। अच्छा, मैं भी था, वी बोथ हम लोग थे। अच्छा, तो आए वो जितेंद्र, बॉबी लगी थी। अच्छा, और एलवी प्रसाद डायरेक्टर तो उनको बोलते फादर फादर, उसको फादर बोलते, फादर बॉबी, खड़की में 22,000, पूना में 23,000, उसमें बोला जीतू डायलॉग याद है क्या तुमको अपना? डायलॉग याद करो। कोई भी किस्सा सुनाते हैं सरानी साहब? माइंड ब्लोइंग। वाह, हम लोग दे दनादन फिल्म कर रहे थे एक साथ में। मतलब हम लोग के लंबे लंबे ब्रेक होते थे, बहुत बड़ी कास्ट थी। और आप जो किस्से सुनाते थे, मतलब हम लोग हंस हंस के, हमको जी नहीं करता था शूटिंग करने का। उसमें मैं भी था। एक और बात मैं बता दूं कि शक्ति इज वन ऑफ माय स्वीटेस्ट एंड ओल्डेस्ट फ्रेंड। या, एंड आज आप सब यहाँ बैठे हैं, मैंने आप सबके साथ काम किया है। एंड यू आर सच जेंटलमैन ट्रूली एंड सच स्वीट हार्ट्स टू वर्क। थैंक यू। स्टैंड अप प्लीज। यस, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। आई टेक एवरीथिंग बैक। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। ये देखो सरानी साहब, एक बात बताइए, हैंडसम आप इतने प्यारे, हाँ, कोई ऐसे को पीछे नहीं पड़ गई आपके कि सरानी साहब आपसे ही शादी करनी कोई? हाँ, पड़ी थी, पड़ी थी। अच्छा जी, और मैं शूटिंग कर रहा था पहलगाम कश्मीर। वाह, और काफी नामी एक्ट्रेस, नाम नहीं लूंगा, बेचारी मारेगी। वो पीछे पड़ गई। मैंने कहा देखिए, मैं तो चरित्र अभिनेता हूँ। मैं कोई हीरो नहीं, ये नहीं, विलेन नहीं, कॉमेडियन को कोई देखता नहीं। फिर भी हीरोइन तो देखते, कभी नहीं देखा गया कॉमेडी हट। या गड, तो आप मुझसे क्यों चाह रही? बोले नहीं, तू अच्छा लगता है रे लल्लू। तो मैंने कहने मगर ऐसा कुछ नहीं, चलो मैं, मेरा थोड़ा मैं लगा कश्मीर ठंडा मौका है, मैं कुछ देख। तो बोलती है देख लेना बाद में, अपनी वाइफ को सुट, तब मेरे बगल में आना। मैंने कहा क्या रही क्या? सर ये सवाल मेरे, ये जनता जनार्दन के सवाल है जिन्होंने हमें भेजे हैं, कि आप सब जो है इतने हंसाया लोगों को, तो कभी ऐसा हुआ किसी बात को आप सीरियसली बोल रहे हो और सामने वाला मजाक समझ बैठा हो, ऐसा होता है आपके साथ? हाँ, कई बार होता है, ऐसा होता है, होता है। आगे बढ़ू मैं अगला सवाल। कभी ऐसा हुआ किसी हीरो की इमेज को देख के लगा हो कि यार इससे हमारी नहीं बनेगी, और बाद में सबसे ज्यादा उससे बनी हो, ऐसा होता है आपके साथ? ये मेरा काका जी के साथ हुआ था, राजेश खन्ना साहब के साथ। हम लोग शूट कर रहे थे इन नटराज स्टूडियो, मैं उनके साथ नहीं शूट कर रहा था, मैं दूसरी फिल्म की शूट कर रहा था, और काका जी मिले, एंड ही वॉज अ नोन एक्टर, आई वॉज एन एक्टर, एंड हमें इंस्टीट्यूट में ये सिखाया गया कि रिस्पेक्ट द एल्डर्स। तो मैं बड़े प्यार से उनके पास हेलो करने गया, ही डिडंट एक्नॉलेज एंड वेंट ऑफ। अच्छा, तो मैं भी पंजाबी में हट करके, देन वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। अच्छा जी, और उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन बींग्स, प्रॉबेबली उस समय वो जोन में थे जहां उन्होंने मुझे देखा ही नहीं, एक्चुअली अपनी टेंशन में, अपने प्रॉब्लम में, कहीं समवेयर, ही जस्ट डिडंट रियलाइज कि मैं हेलो कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग बाद में हमारी पूरी हुई, देन हम लोग वर्ल्ड घूमे, शोज पे गए, आई वॉज वन ऑफ हिज फेवरेट। अच्छा, आप और असरानी साहब ने कभी गए लाइव टूर किया आपने? नहीं, लाइव शोज नहीं किया असरानी साहब के साथ। पर असरानी साहब आप अगर करें तो आप तो मेला लूट ले। लूट लेते हैं ना, लूट लेते हैं।
मैंने बहुत शोज किए इनके साथ। एक छोटी सी बात बताऊंगा कि व्हाट आई हैव सीन असरानी सर कंपेयरिंग शोज एंड द बिग बिग स्टार्स इन द शो, बिग बिग स्टार्स, मतलब जब उनका इंट्रोडक्शन स्टेज पे आना होता था तो असरानी जी कराते थे कि अब आपके सामने, मैंने उन स्टार्स को असरानी जी के पास कान पे जाते हुए सुना है, असरानी जी मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा इससे ज़्यादा अच्छा करना, असरानी जी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मतलब यू नो ही वाज सो गुड इन यू नो कंपेयरिंग शोज ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिग हैंड टू असरानी सर। असरानी साहब आपने तो लाइव शोज भी बहुत किए होंगे उस समय, तो कोई किशोरदा का किस्सा कोई मजेदार सा सुनाइए ना प्लीज। चार लाइनें, पांच, जो जितना भी आपका मन। किशोर कुमार जी के साथ कलकत्ते में, अच्छा जी, भपी लहरी का शो, उसमें बाद में किशोर कुमार आने वाले हैं और मैं अनाउंसर हूँ। अच्छा जी। नेताजी सुभाष ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ, तो भपी लहरी को इंट्रोडक्शन कर दिया हमने कि ऐसा किया वैसा किया, भपी लहरी आप इन्होंने हिंदुस्तानी म्यूजिक से करते करते रॉक एंड रोल ये वो, भपी लहरी चार गाने हो गए, पांच गाने हो गए, किशोर कुमार आके बैठ गए कि भाई तू असरानी, मैंने कहा सर ये पांचवा गाना हो गया है, अभी आपको दो गाने के बाद आना है, तो मैं तैयार होता हूँ, शुरू हो गया। और भपी लहरी गाए, आठवां गाना आ गया, तो किशोर कुमार फिर मैं गया, वो रेसल्स हो गए, नवा गाना चल रहा है, क्या क्या कर रहा है असरानी, इसको हटाओ यार, मैंने सर मैं कैसे करूँ, 15,000 आदमी बैठे हुए हैं और भपी लहरी के फादर आ गए, ना ना क्या गान है। क्या गाता है, क्या गान है रे, हेरे भपी रे, दसों गाना हो गया, अभी क्या कर सा। किशोर कुमार बोले तेरे बस का रोग नहीं बेटा, मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा। अब ये खुद ही आए मेरे को हटाया, किशोर कुमार जरा म्यूजिक बनाएंगे प्लीज। भपी रे भपी, अरे भपी रे भपी, अरे भपी रे भपी, तू जाता क्यों नहीं, तू जाता क्यों नहीं, अरे भपी रे भपी, तू जाता क्यों नहीं, अरे भपी रे भपी, अरे भपी रे भपी, जा जा जा, ये भपी रे भपी, भपी रे भपी, जा हे। अमर शौची बंगाली में शुरू हो गए। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां हो जाएं असरानी साहब, शक्ति सर, पेंटल साहब और टिक्कू सर के लिए। और आज की शाम सर ये बड़ी यादगार हो गई है शाम, ऐसे मज़ेदार किस्से हमें सुनने को मिले, और हमने अपने शो में हंसी मजाक के साथ साथ कभी कोई ऐसी जानकारी हो अगर जो हमारे दर्शकों को मिल सके, जो उनके लिए ज़रूरी हो, जैसे आजकल आए दिन सुनने में आता है कि कम एज में लोगों को कार्डियक अरेस्ट आ जा रहा है, और स्पेशली आजकल जिम करते हुए, वेट ट्रेनिंग करते हुए, कार्डियो करते हुए कुछ लोगों को कार्डियक अरेस्ट आया, सो ऐसे में उनके आसपास के लोग उस समय उनकी क्या मदद कर सकते हैं, इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बॉम्बे हॉस्पिटल मुंबई से डॉक्टर गौतम बंसाली साहब। डॉक्टर गौतम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। कपिल जी, जो आजकल सबसे बड़ा रीजन इन सब चीज़ों का है, जो हम देख रहे हैं पर ईयर, अभी जो मैं लेटेस्ट डेटा आपको बता रहा हूँ, पर ईयर लगभग 12 लाख लोग, उसमें भी अधिकतर लोग वैसे हैं जो 45 के कम की एज के हैं, कार्डियक अरेस्ट की वजह से जा रहे हैं, और वो यंग लोग उसके अंदर ज़्यादा है। और इसका सबसे बड़ा जो कारण हम लोगों ने अभी देखा है, हम लोगों ने सर्वे भी किया है, उसमें सबसे बड़ा मेंटल स्ट्रेस, हर व्यक्ति, हर आदमी को, किसी को भी देखोगे कोई ना कोई चीज़ का स्ट्रेस है। आपके कहने का मतलब ये है कि अगर हम सब अपने यार दोस्तों में बैठ के, जो आप हंसी मजाक करते हैं, एक तो वो बड़ा जरूरी है अपनी लाइफ में। जी जी, डॉक्टर साहब भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो गया है जिम में करते हुए कोई, तो उसके आसपास के लोग किस प्रकार से मदद कर सकते हैं उनकी उस समय। जी डेफिनेटली कपिल जी, इन सब चीजों के लिए एक हमारा फाउंडेशन है, गौतम बंसाली गोल्डन अवर फाउंडेशन चालू किया हमने, और उसमें हमने CPR ट्रेनिंग, जो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं, लंग्स और हार्ट, इसको कैसे रिवाइव किया जाए गोल्डन अवर के अंदर,
शुरू का जो आधा घंटा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो सीपीआर ट्रेनिंग हमने उस वक्त से चालू किया और हमने मुंबई में ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, जिम में काम करने वाले लोग हैं, कस्टम वाले हैं, एयरपोर्ट वाले हैं, फ्लाइट अटेंडेंट है, ट्रैफिक पुलिस वाले, कॉलेज स्कूल है, काफ़ी जगह जाकर के हमने सीपीआर ट्रेनिंग शुरू किया। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ही कर सकता है, एक नॉर्मल आदमी, लेमैन, हर आदमी सीख सकता है। मुश्किल से आधा घंटा 15 मिनट का ट्रेनिंग है, बट आप ये समझिए कि उसमें आप वो एक गोल्डन आवर होता है। अगर आप सीपीआर ट्रेनिंग सीपीआर देते हैं किसी को, एक आदमी की लाइफ बचा सकते हैं, साल के लगभग 12 लाख लोग, युवा लोग बच सकते हैं। माय गॉड, अगर आपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, टाइमली ध्यान नहीं दिया, खाना पीना उस पर थोड़ा बराबर ध्यान नहीं देते हैं, प्रॉपर टाइम से योगा करना, मेंटल स्ट्रेस से दूर रहना, फैमिली के साथ टाइम बिताओ, आप दोस्त रखो, कुछ ऐसे दोस्त लाइफ में बहुत ज़रूरी होते हैं, जो जैसे आप सबके सामने देख रहे हैं, यहाँ इतने सारे दोस्त लोग बैठे हुए हैं, दोस्त इतने ज़रूरी होते हैं जो आपके लिए एक स्ट्रेस बस्टर का काम करते हैं। सो स्ट्रेस बस्टर हम लोगों की लाइफ में बहुत ज़रूरी है। और मैं सबको बोलता हूँ, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इस बारे में लेटर लिखा है, हम लोग अभी प्लान भी कर रहे हैं कि जिस तरह से यूके यूएस में सीपीआर ट्रेनिंग जो होती है वो स्कूल और कॉलेजों में सिखाई जाती है, Absolutely. इसी तरह से हमारे यहाँ भी हिंदुस्तान में भी स्कूल और कॉलेज के अंदर भी सारे बच्चों को सीपीआर ट्रेनिंग सिखानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गौतम इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, और उम्मीद है कि इससे बहुत लोगों को फायदा होगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। आइए सर, सो कहने का मतलब है दोस्तों, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, अपना लाइफ स्टाइल जो है वो अच्छा रखें, प्रॉपर नींद लें, सही समय पे खाएं पिएं, जंक फूड को अवॉइड करें और खुश रहें, और ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है। और आज की महफिल जो है, आज हमारे मेहमानों के नाम एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं। आइए असरानी साहब, शक्ति सर, पेंटल साहब, टिकू सर, आइए। सो दोस्तों, ऐसे ही खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हर शनिवार रविवार हमसे मिलने आते रहिए। गुड नाइट, शब्बा खैर, थैंक यू सो मच। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.